कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की घोषित न्यूनतम आय योजना देश में गरीबी मिटाने का प्रयास है। जोधपुर शहर जिला कांग्रेस प्रवक्ता अजय त्रिवेदी और साथ ही शहर के विधायक मनीषा पवार ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पहले कांग्रेस ने देश में मनरेगा योजना शुरू की और मनरेगा से हालांकि गरीबी पूर्णतया तो नहीं मिटी, लेकिन काफी हद तक गरीबी पर नियंत्रण हो पाया। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव से पूर्व देश में प्रत्येक गरीब परिवार को सालाना 72,000 रुपए अकाउंट में देने की घोषणा की है। अगर केंद्र में कांग्रेस सरकार आती है तो इस घोषणा से देश में करीब, आपको बता दें, 5 करोड़ परिवारों को लाभ मिलेगा। इस पर आर्थिक सलाहकार को योजना बनाने का जिम्मा दिया जा चुका है। हाल ही में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करके और अंतिम सिरे पे जो हमारा गरीब है उसको लाभ देने के लिए एक योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार अगर आती है तो इस प्रकार की योजना को लागू किया जाएगा जिसमें अधिकतम लाभ 72,000 वार्षिक दिया जाएगा, यानी कि जो परिवार अधिकतम मासिक आय 12,000 प्राप्त करते हैं या 12,000 से कम प्राप्त करते हैं उन सब परिवारों को सालाना अधिकतम 12,000 अर्थात 6,000 प्रति माह का लाभ न्यूनतम आय के रूप में दिया जाएगा। नहीं, आवेदन रोकना अलग बात है, जब आचार संहिता से पहले इसका हो गया था, घोषणा भी हो गई थी, इसको एग्जीक्यूट भी कर दिया था, लेकिन आचार संहिता लगने से थोड़ी प्रॉब्लम आई थी। इस वजह से उन्होंने ये कहा कि ये घोषणा जल्दी से जल्दी पूरी की जाएगी और बेरोजगारों के जो फॉर्म थे वो भी भरने लगे थे, लेकिन कुछ आचार संहिता की वजह से इसको रोक दिया गया था। और एमपी चुनाव, देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।